अच्छा वाला खाना है भैया। आपके यहाँ क्या होता है? ऐसे ही गोश्त होता है? गोश्त देखो फ्रेंड्स, ये हमारे भाईजान खुद तो सलीमानी पी रहे हैं और सब्जियां देखो, 5 रियाल का ये बताना मुझे कमेंट करके नीचे, 5 रियाल का ये क्या बताना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। पानी लेके आए हैं घर से ठंडा, अभी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, इट्स रियली टू हॉट और आप लोगों की फरमाइश के लिए आज हम यहाँ पे बहुत पुराने रेस्टोरेंट में आए हैं, जहाँ पे यू गेट 20 कबाब, शीश कबाब एंड नान। सो लेट्स सी हाउ इट इज, सो वी आर गोना टू ट्राई इट, लेट्स सी हाउ इट इज एंड हाउ इट वुड टेस्ट। अक्षिता और मेरी तो हालत बुरी हो गई है, स्वेटिंग कर करके ये देखो, ऐसे लग रहा है पानी से नहा के निकले हैं, पर क्या करें, सच्ची में इतनी गर्मी है और सच्ची में हम वॉक करके आए हैं कि हाँ है ना मिशन। अब को स्ट्रीट फूड ट्राई करने आए हैं और देखते हैं कि आज स्पेशल क्या है। तो आज हम कहीं और आए हैं, तो ये वर्जन 2 पार्ट 2 होगा, तो लेट्स सी हाउ दिस मेक। अंकल ले आए हैं। फ्रेंड्स, ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, इधर की भी मुझे व्लॉग बनाना था कि यहाँ का कैसा टेस्ट है और इनमें और जो पहला मैंने वीडियो बनाया था उसमें क्या डिफरेंस है। मुझे डिफरेंस ये लगा कि मुझे ये वाले कबाब्स और ये शीश कबाब ज़्यादा जूसी और ज़्यादा मतलब टेस्टी लगे एज़ कम्पेयर जो मैंने पहले व्लॉग बनाया था। एंड सेकेंडली, यहाँ पे अगर आपके साथ कोई वेजिटेरियन है तो यहाँ पे उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सो अगर कोई वेजिटेरियन है तो तभी भी वो इंजॉय कर सकता है, मतलब इफ़ यू आर कमिंग विद योर फैमिली। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पे दे प्रोवाइड ओनली दिस थिंग, और वेजिटेरियंस भी कर सकते हैं इंजॉय साथ ही साथ। अच्छा वाला खाना है भैया। आपके यहाँ क्या होता है? ऐसे ही गोश्त होता है? गोश्त होता है। अच्छा चलो सही है, देखो कितना अच्छा बना के दिया उन्होंने, हमने बोला ऐसे खाओ। फ्रेंड्स, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे थे, ईरान से थे हमारे भाई, तो उन्होंने सीख से निकाल कर उन्होंने बोला ऐसे खाओ, इस तरह खा के देखो वैसे क्या मज़ा आएगा। तो अब हम ट्राई करने लगे, उन्होंने हमें रोकला दिया है, साथ में हम टेस्ट करेंगे कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो सीरियसली यार, समथिंग इज़ लाइक यू नो, इट्स बीन वेरी जूसी, गर्म के साथ मज़ा आता है। इट्स बीन वेरी जूसी एज़ कम्पेयर्ड मैंने जो पहले ट्राई किया था, और जस्ट सी इट्स जस्ट मेल्टिंग इन योर माउथ, इट्स लाइक यू नो आई एम पेयरिंग इट विद टमेटो विद अनियन एंड देन ट्राई करते हैं। और मैंने इन्होंने रोटी ना ठंडी दे दी थी, तो मैंने इनको बोला फ्रेश भैया गर्म बना के लाओ, बिकॉज गर्म के साथ ही कबाब का मज़ा आता है। तो लेट्स सी, सो इट्स बीन लाइक यू नो ब्लास्ट ऑफ ऑल जूसेस इन योर माउथ। साथ में फ्रेंड्स हमने ये ऑमलेट विद टोमेटो ऑर्डर किया, ये यहाँ का इतना फेमस है, इतना फेमस है, इट्स जस्ट कॉस्ट नियर अबाउट 10 रियाल्स एंड इट्स टू ऑसम। मतलब ऐसा मेरे से मैंने घर पे क्या, मैंने बाहर भी इतनी बार ट्राई की है, पर ऐसा टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। एंड सीरियसली, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, एंड इट इज़ टू फीलिंग अगर आप सिर्फ ये और रोटी कॉम्प्लीमेंट्री होती है तो। ऑब्वियसली इफ़ यू आर कमिंग और इतने बेस्ट में मील में आपको ऑमलेट विद टोमेटो विद रोटी मिल जाती है, और साथ में मैंने आप ऑब्वियसली कबाब्स खाए हैं, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए मैंने ये क्या मंगवाया है। अब इसको कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, सुलीमानी। यस, अक्षिता ने तो मेरे कहने पर, मैंने ऑर्डर किया तो इसने भी ऑर्डर कर दिया, अभी मुंह बना रही मम्मा ये सुलीमानी क्या होती है, अब इसको बेचारी को पता नहीं है, अब इसको मैंने शुगर मिक्स करके दिया, आई डोंट नो हाउ शी विल रिएक्ट, अब ये पिएगी तो नहीं मुझे पता, इसकी भी मुझे ही पीनी पड़ी। देखो फ्रेंड्स, ये हमारे भाईजान खुद तो सुलीमानी पी रहे हैं और सब्जियां देखो, 5 रियाल का ये बताना मुझे कमेंट करके नीचे, 5 रियाल का ये क्या बताना। इनकी सब्जी का रेट सबसे ज़्यादा है इधर, मुझे बताना सूखवा की इनकी दुकान है, बताओ अच्छी दोगे तो बेचारे लोग भी आएंगे। ये देख लो, चेहरा तो नीचे करो, अपनी शक्ल तो दिखाओ, देखो कहाँ पे घुस के बैठे हुए हैं वो, देखो सो भी नीचे चाहते हो, किधर भेजेगा तुम ये हमारा फुटू जो बंदर था। पालक 2-4 रियाल, पालक पिघल नहीं जाए कल तक, अंदर है तो दे और निकाल के, पता इसको सोने की पड़ी है अंदर घुस के, जर्जीर वो इनके पास। गोश्त कौन खाता है, हम शाकाहारी बंदे, हम शाकाहारी।
कैसे लगाएगा? पांच का ये नहीं दे, दूसरा दे, चेंज कर भाई। बस एक किलो मत, हाँ ऊपर बड़ा वाला देना, वो दूसरा वाला बस एक किलो आएगा ना ये। तो फ्रेंड्स इतनी हमने सब्जियां ले लिया, मैं घर जाकर बताती हूँ। बहुत महंगी दी है पर क्या करूँ, मैम आप तो पुराने हो, आप तो पुराने हो, दिमाग खा गया, ये महंगी दी है तो चलो क्या करना है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ ईद की क्या रौनक है यहाँ पे बाजारों में। चलो पहले यार एक कड़क लें, पानी की बॉटल लें, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, बहुत ज़्यादा पसीना, मैं तो मास्क भी नहीं पहना, हाथ में ओए। गर्मी, ये देखो अखरोट वाला, आगे बताती हूँ जाके, पर एक बार यहाँ से एज यूजल ये भैया पानी और कड़क ले लो, फिर आगे रख के बताती हूँ। बहुत गर्मी है यार। इंजॉइंग माई कड़क विद द ब्यूटीफुल व्यू एट कॉर्निश, मज़ा आ गया। गर्मी के बुरे हाल है पर यार चाय नहीं पियो तो सिर में दर्द शुरू हो जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये तो नेसेसिटी है, गर्मी हो ना हो चाय की एक प्याली मिल जाए बस, फिर काम देखो कैसे होता है। तो चलो मैं आपको रौनक दिखाती हूँ कैसी है सुख वाकिफ में और बाजारों में ईद के चक्कर में। आज थर्सडे नाइट है तो लेट्स वॉच आउट, लेट्स गो। भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, अगर कतर में आए हो जा रहते हो आपको तो पता ही होगा। लिटरली चार बार ऊपर कर ली, मतलब लिटरली टी शर्ट ऐसे लग रही है कि भाई साहब बहुत गर्मी है ना। ये बता तेरे छुट्टी नहीं है, ये पूछ रही हूँ तेरे कोई तेरा कोई मर्डर थोड़ी करके उसमें डाल रहे हैं। छुट्टियाँ नहीं है ईद की क्यों? पर तीन छुट्टियाँ तो सब दे रहे हैं, सरकार दे रही है, आज अनाउंसमेंट हुई है पैसों के साथ दे रही है। दे रहे छुट्टी तुम्हें, फिर कह रहे नहीं दे रहा, खुद ही नहीं पता तुझे। हमारा शर्मा रहा है यार, इन लोगों की भी दिक्कत नहीं है। इन लोगों का क्या होता है, कल को कोई देख ले कुछ हो जाए तो दिक्कत होती है नौकरी की, तो ऑब्वियसली इन लोगों को हर चीज़ सोच समझ के ही बोलनी पड़ती है। सो दे आर एट मोर रिस्क जॉब इनसिक्योरिटी के लिए, सो फॉर दैट रीज़न ही वॉज नॉट कमिंग यू नो आप लोगों के सामने। पर मैं इसको फिर से कैच करने की कोशिश करती हूँ, फिर वो घूम के आ रहा है, मैं फिर पकड़ती हूँ उसको। अब देखते हैं कि इंडिया में तो हमें पता है कि ईद पे कितनी अच्छी रौनक होती है, अब कतर का दिखाते हैं कि कतर में कितनी रौनक है ईद के अकॉर्डिंगली। आज थर्सडे नाइट है और जस्ट सी, इतनी रौनक तो नहीं है जितनी इंडिया में होती है, पर लेडीज़ मेहंदी लगवा रही हैं, अपनी शॉपिंग कर रही हैं। जस्ट सी, अब पास जाके आपको मिलवाती हूँ। How much time she'll take? Okay. How much she's taking? She took 25. Both hands? No. One hand per hand 25. Okay, up and down? No, just one side. Oh, just one side 25. Okay, means 50 per hand. Yeah. 50 per hand. Just see how beautiful it is. Seriously. Inside also? No, I didn't put it. Just put outside. Yeah, very nice. I should learn Arabic, right? Yeah, she asked me to talk in Arabic and I don't know anything. You are from? India. Ah, but you don't seem to be, huh? India, where? Kerala. Ah, you don't seem here. Friends, जैसे कि आपने देखा ईद के मतलब ओकेजन पे लोग मेहंदियाँ लगवा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे अपना खेल रहे हैं, जो यहाँ पे वाइब आती है ना, मतलब एक ट्रेडिशनल वाली कल्चर का पता चलता है कि इधर का कल्चर क्या है, कैसे करते हैं, क्या नहीं है, वो चीज़ आपको मॉल्स में जाके नहीं पता चल सकती। बिकॉज मॉल्स में जैसे शोरूम्स हैं, फूड कोर्ट्स हैं, जहाँ मतलब वहाँ पर थोड़ी ये चीज़ें ट्रेडिशनल होती हैं कि छोटी छोटी कि क्या क्या कस्टम के अकॉर्डिंगली ये लोग पैक करवा रहे हैं ईद में, क्या करा रहे हैं, इनका कल्चर क्या है, एक ना अच्छी सी वाइब्स आती है। तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं यहाँ से कवर।
पॉजिटिव वाइब्स तो आती आती हैं, पर इतना अच्छा लग रहा है कि लाइक अच्छा तो मतलब मेरे लिए तो मैंने आपको बताया ना, मेरे लिए मुझे मॉल्स जाना या कैफ़ेज़ जाना इतना पसंद है जितना मुझे यहाँ पे रिलैक्सिंग लगता है। मेरा मन करता है मैं लैपटॉप भी अपना यहाँ ही ले आऊँ और यहाँ पे अपनी एडिटिंग एंड ऑल सब करूँ, और मतलब काफ़ी सूदिंग लगता है कि हाँ हल्की हल्की हवा चल रही है, यू नो, ऊपर से इतना अच्छा व्यू है, बच्चे खेल रहे हैं, रौनक है आगे पीछे। घरों पर क्या होता है, यू नो, बंद बंद सा हो जाता है कि कोई दिखता नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि इंडिया तो है नहीं कि हाँ घर के आगे अगर कोई नेबर भी है तो बात कर रहा है या कुछ है, ऐसा तो यहाँ पे मतलब है ही नहीं। तो जब आप बाहर आते हो तो ऐसी जगहों पे काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज मॉल्स में इसलिए इतना अच्छा नहीं लगता कि मॉल्स में भी क्या होता है कि हाँ मतलब शॉपिंग की लोग बस अपने भाग भागों में लगे हुए हैं, पर यहाँ ऐसी जगह आके यू नो यू गेट टू सी एवरीबडी लाइक यू नो अपना वो शॉपिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और मतलब आप भी यार अपना रिलैक्स कर रहे हो। ये काफ़ी सूदिंग सटल एनवायरनमेंट रहता है, और ऐसा एनवायरनमेंट मुझे क्या आई थिंक आप सबको भी अच्छा लगता ही होगा यार, दिस इज़ यू नो। और जब हम लोग अपनी फैमिली से दूर होते हैं ना तो मैनी ऑफ टाइम्स यू फील वेरी यू नो लो, सो दिस इज़ द वन प्लेस वेयर आई फील एनर्जेटिक एंड आई रीगेन माई लो लेवल अगेन। और अगर आप मुझसे अभी भी पूछो तो मैं 5-6 घंटे यहाँ बैठ सकती हूँ, मेरे लिए तो कोई वो नहीं है। और मेरा मन तो कर रहा है मैं एडिटिंग भी यहाँ पर आराम से करके ही घर जाऊँ, पर अभी इनकी कॉल आई है कि वेयर आई एम एंड ही इज़ कमिंग टू पिक मी अप, तो बस अभी इनका वेट कर रहे हैं, लेट हिम कम एंड मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ।